केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चुनावी जायका लेने इंदौर की फेमस सराफा चौपाटी पहुंचे। वहां उन्होंने कई लजीज व्यंजनों का आनंद उठाया एवं चुनावी मुद्दों पर चर्चा की। देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में जायकों का शहर इंदौर सियासतदारों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सराफा चौपाटी पर चुनावी जायका लेने के लिए नेताओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इंदौर के सराफा बाजार में चाट का आनंद लेने पहुँचे। उनके साथ 4 नंबर विधानसभा की प्रत्याशी मालिनी गौड़ भी मौजूद थी। राबड़ी, देहरादून, ऑल सच डिलीशियस फूड्स आर अवेलेबल हियर। चुनाव चलते रहेगा, लेकिन सराफा में लोगों को मिलना होता है, खाना मिलता है, पुराने दोस्त यारों को यहाँ मिलना हो जाता है। मैं कभी भी इंदौर रहूँ, मैं सराफा ही जाता हूँ। खचाखच भरे सराफा बाजार में प्रधान जब पहुंचे तो लोगों के लजीज व्यंजनों का जायका भी डबल हो गया। इस दौरान प्रधान ने सराफा के कई लजीज व्यंजनों के साथ साथ शिवराज सरकार की योजनाओं की तारीफ भी की। उनसे अपेक्षा भी ज्यादा रहती है। मैं आपको कहूँ, इस साल मध्य प्रदेश सरकार ने 30,000 करोड़ रुपया से ज्यादा व्यवस्था किसानों की खाते में सीधा सीधा करवाया। विभिन्न स्कीमों के अंदर संबल हो या भावांतर हो या कम ब्याज में या 0 ब्याज में ऋण देने की बात है, इसलिए सरकार के ऊपर लोगों की भरोसा है। जब जब शिवराज जी जिम्मेवारी लिए तब इस राज्य की सिंचाई की व्यवस्था क्या थी, तब उस राज्य में उत्पादन की क्या स्थिति थी, तब उस राज्यों में जमीन तो उतर पड़े लेकिन उत्पादन आज कितनी गुनी बढ़ी है। पिछले 10 साल से ज़्यादा समय से डबल डिजिट एग्रीकल्चरल ग्रोथ ये राज्य जा रही है। तो स्वाभाविक राज्यों में किसानों की अपेक्षा बढ़ना स्वाभाविक है और हमने पिछले दिनों में उस अपेक्षा को पूरा किया है। सराफा में प्रधान के साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और क्षेत्र क्रमांक 4 की उम्मीदवार श्रीमती मालिनी गौड़ और नगर अध्यक्ष गोपी नेमा भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की सभा और राजनीतिक समीकरण पर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।